एक बार फिर से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव सिंगापुर जाने वाले हैं। बता दें कि अभी कुछ समय पहले ही लालू यादव सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट कराकर लौटे हैं। उन्हें उनकी बेटी रोहिणी आचार ने अपनी किडनी डोनेट की थी। डॉक्टरों द्वारा लालू यादव को आराम करने की सलाह दी गई थी और लोगों से ज्यादा न मिलने की भी सलाह डॉक्टरों द्वारा दी गई थी। इतना ही नहीं, लालू यादव को रूटीन चेकअप के लिए भी फिर से सिंगापुर आने की सलाह किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टरों के द्वारा दी गई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लालू यादव 13 अप्रैल 2023 को सिंगापुर के लिए रवाना होंगे, जहां उनका रूटीन चेकअप होना है। लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुए लगभग 2 माह बीत चुके हैं, अब वो रूटीन चेकअप के लिए सिंगापुर जाएंगे। लालू यादव वैसे तो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, लेकिन डॉक्टरों द्वारा उन्हें रूटीन चेकअप की सलाह दी गई है। खबर है कि उनके साथ उनकी बड़ी बेटी व सांसद मीसा भारती भी सिंगापुर जाएंगी। 11 फरवरी 2023 को किडनी ट्रांसप्लांट कराकर लालू यादव दिल्ली लौटे थे और तभी से वे दिल्ली में रह रहे हैं। अब रूटीन चेकअप के लिए लालू यादव एक बार फिर से सिंगापुर जाएंगे और चेकअप कराकर वापस फिर भारत लौटेंगे। बता दें कि 5 दिसंबर 2022 को सिंगापुर में लालू यादव का सफल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार ने अपने पिता को किडनी डोनेट किया था, जिसके बाद से पूरे बिहार में उनकी तारीफ हुई थी। सबका कहना था कि हर किसी के घर में ऐसी बेटी होनी चाहिए। रोहिणी की किडनी 90-95% तक काम कर रही थी, वहीं लालू प्रसाद यादव की दोनों किडनी 28% तक ही काम कर रही थी, जो कि ट्रांसप्लांट के बाद लगभग 70% काम कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.